गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू फाइन? ओके, अभी तक कौन सा चैप्टर? सोशल साइंस का हाउ वी ट्रेवल, कौन सा पढ़ा था? हाउ वी ट्रेवल, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट ए एंड बी कंप्लीट हो चुकी थी। अब एक्सरसाइज सी है ना, क्वेश्चन एंड आंसर उसके कंप्लीट करना है। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है आंसर दिस क्वेश्चन? हाउ डू वी चूज ए पर्टिकुलर व्हीकल्स टू ट्रेवल? पर्टिकुलर व्हीकल्स मीन्स विशेष ना, क्या है हाउ डू वी चूज ए पर्टिकुलर व्हीकल्स टू ट्रेवल? क्या है आप कौन से व्हीकल्स को चूज करेंगे? पर्टिकुलर व्हीकल्स मतलब आपको यात्रा ट्रेवल करना है तो आप कौन सा पर्टिकुलर किसी विशेष व्हीकल्स को क्या करना है आपको चूज करना है। तो वी चूज ए पर्टिकुलर व्हीकल्स टू ट्रेवल डिपेंडेंट ऑन द, क्या है वी चूज, हम चूज करेंगे पर्टिकुलर व्हीकल्स टू ट्रेवल, मतलब हमको जहाँ जाना है यात्रा करना है तो आपको क्या पर्टिकुलर व्हीकल्स चूज करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, लोकेशन ऑफ प्लेस, लोकेशन मीन्स जगह, आपको किस लोकेशन किस प्लेस पर, ऑफ द प्लेस, प्लेस मतलब जगह, लोकेशन ऑफ द प्लेस जिस जगह पर आपको जाना है वो आपको सबसे पहले क्या करना है चूज करना है। सेकेंड डिस्टेंस टू बी कवर, आपको क्या डिस्टेंस मीन्स दूरी कवर करना है, मतलब वहाँ पर पहुँचने के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस टू बी कवर मतलब जहाँ जाना है आपको, जहाँ ट्रेवल करना है वो डिस्टेंस आपको क्या करना है कवर करना है ना। टाइम अवेलेबल, आपके पास टाइम, टाइम क्या होता है टाइम अवेलेबल, हमारे पास टाइम कैसा है आपको जहाँ जाना है जहाँ ट्रेवल करना है उस हिसाब से आप क्या करोगे टाइम को चूज करोगे। फाइंड मनी वी कैन स्पेंड, मतलब हमें मनी को स्पेंड करना है, आपके खर्च आपके एक्सपेंसेस आपको सब क्या करना है चूज करना है आपके हिसाब से, आपको ट्रेवल करना है कहीं जाना है तो आपको सबसे पहले आपको जिस जगह जाना है वो लोकेशन ऑफ द प्लेस, वो लोकेशन डिसाइड करनी है ना। सेकेंड है डिस्टेंस टू बी कवर, आपको डिस्टेंस कवर करना है तो आपको वो व्हीकल्स चूज करना है। एंड टाइम अवेलेबल मतलब टाइम, आपको टाइम के हिसाब से आप टाइम अवेलेबल मतलब वो टाइम आपको एवर है कि नहीं। मनी वी कैन स्पेंड, आपको मनी क्या है स्पेंड करना है जहाँ जाना है आपको, जिस प्लेस पे जाना है वहाँ आपको कितनी मनी स्पेंड करनी है। इसमें क्या लिखा है कि हाउ डू वी चूज ए पर्टिकुलर व्हीकल टू ट्रेवल, मतलब पर्टिकुलर व्हीकल चूज कर सकते हैं जिस जगह पर जिस प्लेस पर आपको जाना है उसके लिए आपको वो वाला ट्रेवल चूज करना है। तो वी चूज अ पर्टिकुलर व्हीकल टू ट्रेवल, मतलब हमें एक पर्टिकुलर व्हीकल को चूज करना है क्योंकि आप जिस जगह पर जिस प्लेस पर आपको जाना है उस प्लेस पर किससे आप कम समय में आपके क्या है मनी, मनी वी कैन स्पेंड, आपके मनी के हिसाब से आपको जिस स्पेंड करना है इन कवर करना है कि आपको कितने समय में कितनी दूरी में वो जगह पर कहाँ पहुँचना है तो आपको इस चीज़ का क्या है सबको आपको चूज करनी पड़ेगी कि लोकेशन ऑफ द प्लेस मतलब वो लोकेशन आपको वो जगह पे आपको चूज करना है कि आपको किस जगह पर जाना है ना। डिस्टेंस टू बी कवर, वो जगह डिस्टेंस आपको कवर करना है कितने समय में कवर करनी है। टाइम अवेलेबल, टाइम मीन्स समय, समय आपको कैसे उपलब्ध करना है कि आपको किस समय में पहुंचना है कितना स्पेंड करना है आपको समय वहां पर रुकना है तो उस व्हीकल आपको वो व्हीकल चूज करना पड़ेगा। मनी वी के स्पेंड, मनी मनी के हिसाब से आपको स्पेंड क्या वो व्हीकल चूज करेंगे, आप कौन से ट्रांसपोर्ट से जाना है आपको एयर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट या लैंड ट्रांसपोर्ट, मनी आपको स्पेंड करनी है आपको अपना एक्सपेंसेस देखना है कि आपको जो वो जगह जाना है जिस जगह को आपको चूज करा है आपने जिस प्लेस को तो वो आपको किस मतलब आपको या आपके पॉइंट्स आपको क्या करना है चूज करना है। लोकेशन ऑफ द प्लेस, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, टाइम अवेलेबल्स, मनी वी कैन स्पेंड, तो बहुत अच्छे से याद करना है। हाउ
Do we choose a particular vehicles to travel? We choose a particular vehicles to travel. Depend on the, आपको इन पर डिपेंड होना है ना, लोकेशन ऑफ द प्लेस, आपको कहीं जाना है तो आपको उसको क्या देखना है, लोकेशन, किस जगह हमको जाना है. डिस्टेंस टू बी कवर, आपको वो दूरी है जो डिस्टेंस है वो क्या करना है, कवर करना है. टाइम, किस टाइम के हिसाब से आपको कवर करना है, आपको कितने दिन के लिए जाना है ना. मनी वी कैन स्पेंड, आपको मनी किस हिसाब से स्पेंड मीन्स खर्च करना है. सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन, विच एनिमल्स आर यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आप एनिमल्स का यूज किस में करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट में है ना. विच एनिमल्स आर यूज्ड ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम कौन कौन से एनिमल्स का यूज किस में करते हैं, ट्रांसपोर्ट में करते हैं. क्या है आंसर, एनिमल्स सच एज कैमल्स, बुलॉक्स, एलिफेंट्स, डोंकी, मोल्स एंड पॉनिक्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मालूम है ना आपको कि जिस जगह पर, जिस प्लेस पर क्या व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट नहीं पहुंचते, वहां पर आप किसका, एनिमल्स का यूज करते हैं. कौन कौन से एनिमल्स सच एज कैमल्स, कैमल का यूज कहाँ होता है, कैमल का यूज डेजर्ट में होता है. कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके व्हीकल नहीं पहुँच पाते हैं ना, और रीच नहीं कर पाते हैं, तो आप किसे, कैमल का यूज़ कहाँ होता है, डेजर्ट में होता है. किस पर, सैंड पर. सैंड पर जब चलते हैं तो आपकी जो व्हीकल होते हैं वो पहुँच नहीं पाते. तो कैमल्स, कैमल्स के पैर ऐसे होते हैं जो सैंड में अपने आप से आप वो रख सकते हैं. ब्लूक्स, ब्लूक्स मीन्स बेल, ना बैलगाड़ी, आपको मालूम है. इसमें भी आप क्या सामान को या गुड्स को ले जा सकते हैं. एलिफेंट, एलिफेंट जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट में एलिफेंट का यूज़ किया जाता है. वहाँ पर एलिफोन, एलिफेंट के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपको गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मिले. डोंकी, जहाँ पर डोंकी का यूज़ कर सकते हैं ना. मूल्स, जहाँ पर हिल स्टेशन वगैरह, हिल पहाड़ियाँ होती है, हिल्स होते हैं, वहाँ पर किसका, पॉनिक्स का, डोंकी का, मूल्स का खच्चर है ना, इन सब का यूज़ कर सकते हैं. आर यूज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स में कौन से एनिमल्स ट्रांसपोर्ट में आते हैं, कैमल्स, बुलॉक्स, एलिफेंट्स, डोंकी, मूल्स एंड पॉनिक है ना. कौन कौन से हैं, कैमल कहाँ क्या यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट में, डेजर्ट में. कहाँ डेजर्ट, आपका राजस्थान एंड गुजरात. एंड बुलॉक्स कहाँ है, यहाँ पे फ्लैट एरिया में किया जाता है उसको है. एलिफेंट, एलिफेंट का यूज़ कहाँ होता है, फॉरेस्ट एरिया में होता है. एंड डोंकी, मोल्स एंड पॉनिक्स, इनका यूज़ होता है, हॉर्स का भी होता है. तो इनको कहाँ, हिल स्टेशन, जहाँ हिल्स होते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए इनका यूज़, मोल्स खच्चर का और पिट्ठू का यूज़, एंड हॉर्स मीन्स घोड़े और डंकी, इनका यूज़ किया जाता है. तो क्या है, विच एनिमल्स आर यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एनिमल्स सच एज कैमल्स, बुलॉक्स, एलिफेंट्स, डोंकीज, मोल्स एंड पॉनिक्स आर यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में एनिमल्स के क्या है, एनिमल्स आर यूज्ड है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट में कहाँ पर यूज किया जाता है, तो कौन कौन सा एनिमल्स है, तो एनिमल्स सच एज कैमल्स, बुलॉक्स, एलिफेंट्स, डोंकी, मोल्स एंड पॉनिक आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. किस किस का किया जाता है, कैमल, बुलॉक्स, एलिफेंट्स, डोंकी, मोल्स एंड क्या, पॉनिक. ये पॉनिक से मोस्ट डोंकी और हॉर्स कहाँ किया जाता है, हील्स पर है ना, हिल जगह पर, जहाँ पहाड़ी जगह है. एन एलिफेंट फॉरेस्ट, और कहाँ, कैमल्स डेजर्ट में यूज़ किया जाता है. डेजर्ट में ट्रांसपोर्ट के रूप में उसको यूज़ करते हैं. थर्ड पॉइंट, राइट थ्री रोड सेफ्टी रूल्स. राइट थ्री रोड सेफ्टी रूल्स मतलब आपको क्या लिखना है, आपको थ्री
रोड सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स मालूम है ना, आपने पढ़ा है ना सेफ्टी रूल्स, राइट थ्री रोड सेफ्टी रूल्स। आपको जो रोड सेफ्टी रूल्स हैं उनकी थ्री पॉइंट्स लिखने हैं। क्या है? पहला, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा कहाँ पर चलना चाहिए? फुटपाथ पर। इफ देयर इज नॉट फुटपाथ, यदि आपके यहाँ फुटपाथ नहीं हो तो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। तो आपको रोड के सेफ साइड चलना है। कहाँ चलना है? रोड के सेफ साइड। तो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा आपको कहाँ चलना है? फुटपाथ पर चलना है। इफ देयर इज नॉट फुटपाथ, मतलब आपके यहाँ फुटपाथ नहीं है, यदि फुटपाथ नहीं है तो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। तो आपको रोड के सेफ साइड में, कहाँ सेफ साइड में चलना है, वॉक मींस करना है, चलना है, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। सेकेंड पॉइंट, नेवर गो अलोन ऑन द रोड, मतलब आपको अकेले रोड पर नहीं चलना है, है ना। ऑलवेज गो विद इन एल्डर, हमेशा आपको आपके एल्डर्स मीन्स बड़ों के साथ में आपको रोड पर चलना है, वॉक करना है। तो नेवर गो अलोन ऑन द रोड, आपको अकेले रोड पर नहीं चलना है, वॉक नहीं करना है। ऑलवेज गो विद एन एल्डर्स, हमेशा आपको आपके एल्डर्स के साथ में चलना है या रोड को क्रॉस करना है। थर्ड पॉइंट, बिफोर क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के पहले, है ना, लुक, आपको देखना, लुक टू योर राइट, आपको देखना आपके राइट साइड ना, देन टू योर लेफ्ट साइड। पहले आपको क्या देखना है, आपके बिफोर क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के पहले आपको आपके पहले राइट साइड, क्या है, लुक मींस देखना, टू योर राइट साइड मतलब तुम्हारे राइट साइड, देन टू योर लेफ्ट साइड, फिर आपको कहाँ देखना है, लेफ्ट साइड, एंड देम राइट अगेन, क्रॉस ओनली व्हेन, व्हेन जब भी क्रॉस करना है, अगेन व्हेन यू सी नो व्हीकल्स, मतलब आपको रोड क्रॉस करना है, पहले आपके राइट साइड देखना है, फिर आपके लेफ्ट साइड देखना है, फिर आपको रोड पर ये देखना है कि कोई सा नो व्हीकल्स कमिंग फॉर इधर साइड, या कोई जगह से किसी साइड से आपका कोई सा व्हीकल आ तो नहीं रहा है, व्हीकल्स नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, रोड क्रॉस, क्या है, बिफोर क्रॉस द रोड, बिफोर से पहले, किसके, रोड क्रॉस करने के पहले, लुक टू योर राइट साइड, लुक योर आपकी कौन से, आपको पहले अपने राइट साइड देखना है, देम टू योर लेफ्ट साइड, एंड देम राइट अगेन, क्रॉस ओनली व्हेन, जब आप भी रोड क्रॉस करोगे तो आपको ये देखना है कि सी मींस देखना, नो व्हीकल्स कमिंग फॉर इधर साइड, कमिंग मींस आना, कोई सा व्हीकल्स किसी साइड से तो नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, रोड को क्रॉस करनी है ना, आपको पहले आपके राइट साइड देखना है, फिर आपको लेफ्ट साइड देखना है, फिर आपको ये देखना है कि दोनों तरफ या कहीं से आपका व्हीकल्स तो नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, रोड को क्रॉस करना है। फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या थ्री पॉइंट्स है, पर एक फोर्थ पॉइंट, नेवर प्ले और राइड योर बाइसिकल ऑन द रोड, आपको रोड पर क्या नहीं करना है, रोड पर आपको खेलना नहीं है, है ना, इन राइडिंग आपको बाइसिकल भी नहीं चलाना, क्या, नेवर प्ले मींस खेलना, आपको रोड पर नहीं खेलना है, और राइड योर बाइसिकल ऑन द रोड, एंड रोड पर आपको क्या नहीं करना है, बाइसिकल भी नहीं चलाना है, क्योंकि आप छोटे हो तो आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड से कहीं से भी आपके क्या व्हीकल्स आ सकते हैं कमिंग ना। तो क्या ऐसे पॉइंट, इसके पॉइंट्स तो थ्री पॉइंट्स लिखने हैं आपको, पर यहाँ पर फोर पॉइंट्स है, राइट थ्री रोड सेफ्टी रूल्स, आपको क्या लिखना है, थ्री रोड सेफ्टी रूल्स, है ना, रोड सेफ्टी रूल। फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज मीन्स हमेशा आपको कहाँ चलना है, फुटपाथ पर। इफ देयर इज नॉट फुटपाथ, यदि फुटपाथ नहीं है
तो वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, तो आपको रोड के सेफ साइड में चलना है. सेकेंड, नेवर गो अलोन ऑन द रोड, आपको अकेले रोड पर नहीं चलना है. ऑलवेज गो विथ इन एल्डर, हमेशा आपको आपके एल्डर्स आपके बड़ों के साथ में चलना है. बिफोर क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने के पहले लुक to your right, then to your left, and then right again cross only when जब you were see no vehicles coming from either side. जब भी आपको road cross करना है तो आपके right side देखना है, left side देखना है, फिर आपको ये देखना है कि कहीं से क्या है, कोई vehicles तो नहीं आ रहा है, फिर आपको क्या करना है, फिर road cross करनी है. Never play on riding your bicycle on the road. आपको रोड पर खेलना भी नहीं है और आपको बाइसिकल भी नहीं चलाना है, क्योंकि आप अभी क्या हो, छोटे हो. थिंग्स एंड आंसर, अभी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आंसर करें. अब थिंग्स एंड आंसर, तो आप सोचो और आंसर दो. क्या है, ऋषभ लीव्स इन दिल्ली. ऋषभ कहाँ रहता है, He has to reach Chennai within a few hours, which means of transport should he use? Rishabh कहाँ रहता है, Rishabh दिल्ली में रहता है और he has to reach, Rishabh को मतलब पहुँचना है, reach मतलब जाना है, कहाँ जाना है उसको, चेन्नई, within a few hours मतलब कुछ घंटों में, which means of transport should he use? तो ऋषभ कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करेगा, वो दिल्ली में रहता है और उसको कहाँ जाना है, चेन्नई पहुँचना है. कहाँ पहुँचना है, चेन्नई पहुँचना है कुछ घंटों में, उसको कुछ घंटों में चेन्नई पहुँचना है. तो मीन्स आप कौन सी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, क्या वो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, क्योंकि दिल्ली से चेन्नई बहुत दूर है ना, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा या लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा या एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा. वो क्या वो बस से जाएगा, ट्रेन से जाएगा क्या, या वो शिप से जाएगा क्या, या फिर वो एरोप्लेन से जाएगा. तो आपको ये सोचना है कि ऋषभ लिव इन दिल्ली, ऋषभ दिल्ली में रहता, मतलब दिल्ली कहाँ, चेन्नई से दूर है, तो ऋषभ दिल्ली में रहता, ही इज रीच इन चेन्नई, उसको पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, चेन्नई में, विद इन कुछ हॉर्स में मतलब कुछ घंटों में, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड ही यूज, तो वो कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा. तो आप बताओ इसमें कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज करेगा, तो वो ऋषभ शुड यूज इन एरोप्लेन, क्योंकि चेन्नई दिल्ली से बहुत दूर है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज करता है तो उसको काफ़ी समय लग जाएगा, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, समय बहुत लगेगा उसको, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. इन वो ट्रेन का यूज़ करता है या बस का यूज़ करता है तो उसमें भी टाइम लगेगा, पर उसको तो कहाँ जल्दी पहुँचना है, कहाँ चेन्नई, कुछ घंटों में ही पहुँचना है, तो कुछ घंटों में पहुँचने के लिए उसको किसका यूज़ करना पड़ेगा, कौन से ट्रांसपोर्ट का, उसको एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और वो किससे जाएगा, वो एरोप्लेन से जाएगा. तो ऋषभ शुड यूज़ इन एरोप्लेन, ऋषभ किससे जाएगा, किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, वो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा और वो एरोप्लेन से कहाँ जाएगा, चेन्नई जाएगा. क्या है, ऋषभ कहाँ रहता है, ऋषभ लिव इन दिल्ली, है ना, उसको कहाँ जाना है, ही हैज़ टू रीच, उसको कहाँ पहुँचना है, चेन्नई में, फिर क्या है, विद इन ए फ्यू हॉर, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड ही यूज, वो कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, तो वो कौन से, ना वो वाटर का ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी नहीं करेगा, वो लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी नहीं करेगा, वो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा, क्योंकि उसको बहुत जल्दी पहुँचना है, कुछ घंटों में उसको चेन्नई पहुँचना है. आप ट्रेन से जाओगे तो 24 आवर्स लगेंगे, है ना, आप शिप से जाओगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा. तो ये ऋषभ शुड यूज एरोप्लेन, तो ऋषभ किसका यूज़ करेगा, ऋषभ एरोप्लेन का यूज़ करेगा. आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से रीड करना है.